तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सभी के हाल चाल एकदम बढ़िया हो। फिलहाल मेरे हाल चाल वो भी एकदम बढ़िया ही चल रहे हैं। वेल, यहाँ पे दो तीन न्यूज़ आपके लिए कवर करके लेके आया हूँ जो इस वीक में आपको बताना चाहता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली न्यूज़ है। रेडमी नोट 4 के रिगार्डिंग भी आपके सवाल जो थे उनके जवाब देने वाला हूँ। कोई न्यूज़ नहीं आई है, केवल उनके जवाब देने वाला हूँ। देन उसमें बताऊँगा क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आएंगे, और MIUI 11 और बीटा अपडेट्स को लेकर कुछ न्यूज़ निकल के आई है। सो वो भी आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 4 के ऊपर। तो रेडमी नोट 4 के ऊपर मुझे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड खैर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन हाँ सवाल मुझसे बीच में बहुत सारे पूछे जाते हैं व्हाट्सएप पे। खैर आपको दिखा नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि नंबर सबके पब्लिक नहीं करना चाहता मैं, बट हम व्हाट्सएप पे डेली बहुत सारे सवाल आते हैं रेडमी नोट 4 में। क्या अपडेट आएगा, और अपडेट आएगा तो कब तक आएगा, और क्या कब तक, अब हम बता भी दिया मैंने तो फिर वो पूछते हैं यार क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आएंगे। तो यार सभी को ये कन्फर्मली बताना मुश्किल बन जाता है कि भाई कि हाँ ये अपडेट इस तारीख को आएगा, इस तारीख को आएगा, और जो मैं तारीख बोलता हूँ या फिर जो मंथ बोलता हूँ मैं, उस दिन नहीं आता अपडेट, तो फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे। इसलिए मैं आपको तारीख या डेट को कुछ बताता नहीं हूँ, कोई मंथ नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी तक खास कुछ पता नहीं है कि अपडेट कब आएगा। शाओमी ने शायद इसके ऊपर काम करना ही बंद कर दिया है। रेडमी नोट 4 को शायद शाओमी भूल गया है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अब अपडेट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर अपडेट बंद ही हो गए, नहीं अपडेट तो मिलते रहेंगे उसमें आपको, बट हाँ कुछ ज़्यादा खास फीचर्स ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो पहले मिलते थे वैसे मिलेंगे तो नहीं, वैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग एक दो फीचर आ जाएगा, डार्क मोड आना बाकी है, उसके अलावा एक दो फीचर आ जाएगा, और खैर MIUI 11 तो आएगा ही, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, क्योंकि सवाल मुझसे मत पूछेगा, जब अपडेट आना होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, और चेक करते ही अपडेट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा स्टेबल अपडेट कभी ना कभी। क्या पता हो सकता है कि आज शाम को रोल आउट हो जाए, कभी भी हो सकता है, तो चेक करते रहिए क्या पता आपको अपडेट आ ही जाएगा, और जब मेरे को पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो शुरू से शूट कर ही दूंगा मैं। एक बात और पूछी जाती है कि अगर हम Redmi Note 4 या फिर बाकी किसी भी डिवाइस में बीटा वर्जन में जिसमें हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम वापस स्टेबल में किस तरह से स्विच करें। अगर हम स्विच करने की कोशिश करते हैं तो वह लिखा हुआ आता है ओल्ड फाइल या फिर पुरानी फाइल इसके साथ फ्लैश नहीं कर पा रहे, ऐसी कुछ चीज़ें लिखी भी आ जाती है, तो उनको भी एक जवाब देना चाहूँगा। थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, कोई नया अपडेट आएगा स्टेबल वर्जन में, या फिर डायरेक्टली आपको बीटा वर्जन में कोई ना कोई स्टेबल अपडेट आए, सॉरी बीटा वर्जन में वो स्टेबल अपडेट का एक स्विच करवा दिया जाएगा, वो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको एक स्टेबल वर्जन में जो अपडेट आया उसको डाउनलोड कीजिए उसकी फाइल को, आप फ्लैश कर लीजिए। ये दो तरीके आपके सामने निकल के आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी ट्राई कर लीजिए, डेफिनेटली आपका स्टेबल वर्जन में स्विच हो ही जाएगा। तो ये हो गई एक चीज़। खास जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है MIUI 11 के रिगार्डिंग। MIUI 11 में काफ़ी बड़ा फीचर आने वाला है। मैंने अभी जो जस्ट एक वो मैंने फोटो देखी है उसकी, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ इसके मुझे देखिए, जैसे कि आप मोशन जेस्टर जानते हैं, एक तो जेस्टर वो होते हैं अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन जल जाती है, वो एक जेस्टर अलग है, लेकिन मोशन जेस्टर एक अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी मोबाइल लॉक है मेरा, और जैसे कि मैंने हवा में सी बनाया, सी का मतलब कैप, सी बना कैप वो मतलब समझना, सी कैपिटल सी वाला वो नहीं, सी मत बनाया तो कैमरा का हो गया, कैमरा हो गया मतलब कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और मैंने एम बनाया ऐसे, तो एम बनाते ही जैसे कि आपको वीडियो दिखा पा रहा हूँ, एक वीडियो लीक होकर आई है, एम बनाया तो एम बनाते ही म्यूजिक ऑन हो जाता है। तो मोशन जेस्टर्स भी आने वाले टाइम में, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं, आप वीडियो देखिए, एक वीडियो लीक होकर आई है, इसमें आपको अलग अलग शेयर करके बता रहा है, कुछ 23 सेकंड की वीडियो है, कैमरा ओपन हो जाता है, उसके बाद में अगर एम की तरह हिलाता है तो देखिए म्यूजिक वाला सेक्शन ऑन हो जाता है। तो काफ़ी अलग अलग से है, और मेरे को म्यूजिक ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना, मेरे को MIUI 11 का दिख रहा है, काफ़ी यार अलग है। देखिए अलग अलग आपको जेस्चर देखने को मिल जाएंगे, सेटिंग्स में जाके इसको आप इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ओके, अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, बट हो सकता है कि बीटा वर्जन में आ जाए या फिर डायरेक्टली MIUI 11 के अंदर ही दिया जाए आपको, वो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन डेफिनेटली ये फीचर भी आपके सामने आने वाला है। और Xiaomi की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लॉन्च होने वाली है इस महीने में, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि बहुत सी अलग अलग चीज़ें लॉन्च होने वाली है, मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे। देखिए Xiaomi का एक जो बियर्ड शेवर जो होता है वो तो लॉन्च हो ही गया आज, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके अलावा तो कई सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली, मेरे साथ क्विक चार्ज 4.0 भी या फिर क्विक चार्जर लॉन्च होने वाला है। आई डोंट नो कौन सा लॉन्च होगा, किस तरह से लॉन्च होगा, लेकिन हाँ लॉन्च होने वाला है। अगर आप मी स्टोर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे बियर जो बियर्ड ट्रिमर ट्रिमर होता है वो तो खैर लॉन्च हो ही गया। उसके अलावा आता है कमिंग जून मी ट्रक बिल्डर योर चाइल्ड्स न्यू फेवरेट टॉय, मतलब बच्चों के लिए कोई टॉय वॉय आने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 500 पार्ट्स, अच्छा कोई जोड़ जोड़ के आना है ना, मतलब टुकड़ों को जोड़ने वाला, वो चीज़ आने वाली है। तो आता है कमिंग जून चेंज द वे योर लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको ये मेरे हिसाब से हेड ब्लूटूथ हेडसेट आने वाला है, क्या आने वाला है, वायर वाला आया क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी एक लॉन्च होने वाला है। तो अगला आता है मी रिचार्जेबल LED लैम्प भी लॉन्च होने वाला है, और यह कमिंग सून, ये भी कोई म्यूजिक का या ब्लूटूथ का है।
फ्लेक्सिबल, अच्छा हाँ वो कॉलर वाला, तो वो भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन मुझे लिखा हुआ है लास्ट में कमिंग जून, इट इज़ फास्ट, रियली फास्ट, द सुपर फास्ट चार्जर एफ इन ए फ्लैश। अब तो देखो क्या होता, क्या पता कोई मोबाइल है, चार्जर, आई डोंट नो, कुछ नहीं है, कुछ भी हो जब लॉन्च हो जाएगा तब पता चल ही जाएगा। तो ये चीज़ें लॉन्च होने वाली है, अगर चार्जर लॉन्च होता तो डेफिनेटली मैं परचेज जरूर से करूँगा, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो के लिए चाहिए यार फास्ट चार्जिंग। गेम खेलने में बड़ी दिक्कत होती है, चार्ज गेम खेल लिया उसके बाद में चार्ज लगाओ, फिर दिक्कतें बहुत होती है, चार्जिंग में तो टाइम लेता है, दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें लॉन्च होने वाली, सारी ये न्यूज़ थे इस वीक के, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक देना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो मेरा नाम है लोगों ने होता, मैं मिलता हूँ आपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।